जोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड सीजन फर्स्ट एपिसोड 7th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सिजुका का पास्ट दिखाया जाता है। जब वो छोटी थी और स्कूल से आ रही थी, उसे रास्ते में एक पपी दिखा था जो कि वहीं सड़क पर था, जिसे वो उठाकर घर ले आती है, जहां पर उसके जो फादर थे वो उसे उस पपी को रखने से मना कर देते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनकी फैमिली की इंसल्ट होगी और साथ ही कहती है कि ये काफी कमजोर है और तुम्हें हमेशा कमजोर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा वरना तुम भी इन्हीं की तरह फंसकर रह जाओगी। तो दोबारा में प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोजुकी था वो सबसे कहता है कि अकीरा की वेलकम पार्टी में सभी को ठंडी बियर देगा और दूसरी तरफ जो अकीरा था वो अब भी वर्क ही करे जा रहा था और सबको बियर सर्व कर रहा था, पर जो अकीरा था वो वहां पर थक चुका था। और दूसरी तरफ हम कोजुकी को देखते हैं जो कि साथ बैठे हुए लोगों से बात करने लगता है कि उसे पूरे जापान पर ही अपना कंट्रोल करना है, जिसके बाद वो सिजुका को देखता है कोजुकी और उसे फिर वहां पर ड्रिंक के लिए बुलाता है क्योंकि जो सिजुका थी वो सिर्फ वाटर ही पी रही थी और वो वहां पर सिजुका को एक बियर का ग्लास देता है जिसके बाद सिजुका उसे फिनिश कर लेती है, जिसके बाद जो कोजुकी था वो अकीरा को बुलाता है और बियर के लिए, और जो कोजुकी था वो सिजुका के साथ बदतमीजी भी कर रहा था पर जो सिजुका थी वो तब भी वहां पर चुप ही थी, जिसके बाद जो अकीरा वहां पर आता है वो बियर की बोतल को खाली ले आता है, जिसके बाद जो कोजुकी था वो अकीरा पर चिल्लाने लगता है और उससे कहने लगता है कि उसने उसकी हेल्प करी और वो उसके लिए काम भी नहीं कर रहा ढंग से, और जिसके बाद जो सिजुका थी वो भी वहां पर बैठे हुए दोबारा अपने पास को सोचने लगती है कि उसने बचपन से ही अपने फादर के ऑर्डर्स माने हैं क्योंकि जो उसके फादर्स थे उसने काफी कम उम्र में ही अपना बिजनेस खड़ा कर लिया था और सारे बिजनेसमैन उनसे डरा करते थे और जो सिजुका के फादर थे वो भी सिजुका से वही चाहते थे यानी परफेक्शन, पर जो सिजुका थी उसने उस पपी को बाहर छोड़ा नहीं था बल्कि उसे छिपाकर उसे पाल रही थी और साथ ही उसे ठीक भी कर लेती है। उसके अगले सीन में जो सिजुका थी वो अपने फादर से जाकर कहती है कि उसे एक डॉक्टर बनना है, पर वहां पर उसके फादर कहते हैं कि इस प्रोफेशन में ज्यादा पैसा नहीं है और साथ ही तुम्हें और लोगों की सेवा भी करनी पड़ेगी, इसलिए वो उसे मना कर देते हैं और साथ ही कहते हैं कि उसे पता है कि उसने उस पपी को छिपाकर रखा है इसलिए उसने हेल्थ केयर वालों से मरवा दिया है उसे, और साथ ही जो सिजुका के फादर थे वो सिजुका को ऑर्डर देते रहते हैं और साथ ही उसका उसके दोस्तों से मिलना बंद करवा देते हैं और साथ ही वायलेंट क्लास जाना भी, और सिजुका को ये बिल्कुल पसंद नहीं था पर उसे सर्वाइव करने के लिए अपने फादर्स के ऑर्डर मानने पड़ते थे, जिसके बाद कहानी द्वारा प्रेजेंट में आ जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अकीरा का चीफ था वो अकीरा को डांट रहा था क्योंकि उसने कुछ सामान गिरा दिया था और साथ ही उससे कहता है कि अब उसे उसके लिए 2 दिन और काम करना पड़ेगा, जहां पर अकीरा कहता है कि हमारी बात तो सिर्फ 2 दिन की हुई थी, जिसके बाद चीफ उसे और डांटने लगता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि उसने उसका सामान गिरा दिया और वो काम भी ढंग से नहीं कर रहा है, जिसके बाद जो उसका चीफ था वो अपने एक्सप्रेशन चेंज कर अकीरा से ये भी कहने लगता है कि वो नहीं चाहता कि अकीरा यहाँ से जाए क्योंकि वो उसका एक अच्छा एम्प्लॉई है, वो उसे खोना नहीं चाहता और साथ ही उससे कहता है कि बाहर ज़ॉम्बीज़ है, वो बाहर जाकर क्या करेगा, यहाँ पर उसे खाना सब मिलेगा। और जिसके बाद हमें सिजुका का एक और पास दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सिजुका के फादर दिखाए जाते हैं जो कि सिजुका से कह रहे होते हैं कि ये देखो गरीब लोगों को इसने अपने मन का काम करा इसलिए यहाँ पर है, तुम्हें तो सिर्फ मेरे ऑर्डर ही फॉलो करने हैं, इसी में तुम्हारा फायदा है, जहाँ पर सिजुका मन में सोच रही होती है कि मेरा या आपका, जिसके बाद स्टोरी द्वारा प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होती है और हम सिजुका को देखते हैं जो कि अकीरा की बकेट लिस्ट को देख रही होती है और उसमें एक चीज लिख देती है। यहाँ पर हम कोजुकी के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि सुपरमार्केट गए थे खाने पीने के सामान भरने के लिए, पर उनके ट्रक में एक गलती से ज़ॉम्बी भी आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो केंचो और सिजुका थे वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि 2 दिन पूरे हो चुके थे, पर अकीरा उनके साथ जाने से मना कर देता है और उनसे कहता है कि वो यहीं पर रहकर चीफ के लिए काम करेगा, जिसे सुनकर केंचो वहां पर कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, और वहां पर सिजुका कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो हम दोनों जा रहे हैं, जहाँ पर अकीरा कहता है कि चीफ ने उनकी जान बचाई है और बाहर सिर्फ ज़ॉम्बीज़ हैं, अगर उस जैसे लूजर को सर्वाइव करना है तो उसे यहीं रहना होगा, जिसके बाद सिजुका को वहां पर गुस्सा आ जाता है और वो अकीरा से कहने लगती है कि जो ये तुम्हारा बॉस है ये सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे यहाँ पर काम करवा रहा है, और जिसके बाद वहां पर जो सिजुका थी वो अकीरा से गुस्से में कहने लगती है कि उसे अपने मनचाही चीजें करनी है ना कि किसी के ऑर्डर फॉलो करने हैं, और साथ ही कहती है कि वो भी पहले उसी की तरह थी यानी अपने फादर के ऑर्डर फॉलो करना, पर अब वो बदल चुकी है, और साथ ही अकीरा से भी बदलने के लिए कहती है, जहाँ पर वो अकीरा को उसकी डायरी देती है और सिजुका ने उसमें डायरी में एक नई लाइन लिख दी थी और उसने लिखा था कि अपने बॉस को दिखाना कि वो कितना कमीना है, जिसके बाद जो अकीरा का बॉस था वो उस डायरी को अकीरा से छीन लेता है और उसे चलने लगता है, जिसके बाद वो अपनी डायरी को वहां पर बचाता है और फिर अकीरा को सुखी से कहता है कि वो अब यहां से जाना चाहता है और वो उसकी गंदी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहता, और जिसके बाद जो अकीरा का बॉस यानी कोजुकी था वो गुस्से में कहता है कि वो बाहर एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ हैं और वो ज़ॉम्बीज़ बन जाएगा, पर वहां पर अकीरा कहता है कि ज़ॉम्बी की तरह यहाँ काम करने से बेहतर है कि वो बाहर ज़ॉम्बी बन जाए, और तभी हम देखते हैं कि वो सप्लाई ट्रक वहां पर आ जाता है और उसमें वो जो ज़ॉम्बी था वो बाहर निकलकर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है, जहां पर कोजुकी उन्हें शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरी ट्रक की टक्कर भी वहां पर उस वाली ट्रक से हो जाती है जिससे ज़ॉम्बी खींच रहे होते हैं और फिर वो ज़ॉम्बीज़ भी फ्री हो जाते हैं और वो भी उन पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद केंचो सिजुका और अकीरा एक
कैंपिंग ट्रक पर चढ़ जाते हैं, पर वो लोगों को वहां पर बचा नहीं सकते थे। जहां पर अकीरा देखता है कि कोसुगी के पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ चुके हैं और कोसुगी वहां पर भाग रहा होता है, जिसके बाद अकीरा वहां पर एक फूड ट्रक को देखता है और साथ ही एक गार्ड से हेल्प मांगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो कोसुगी है वो नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, पर तभी अकीरा वहां पर फूड ट्रक लेकर आ जाता है और कोसुगी को वहां पर बचा लेता है, जिसके बाद वो बाकी गार्ड से उस ट्रक को कवर करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज वहीं पर फंस जाते हैं और जो वो दोनों थे यानी अकीरा और कोसुगी वो उस वैन की छत पर होते हैं। जिसके बाद जो अकीरा था उसने उसके अंदर एक सिलेंडर भी खुला छोड़ दिया था, जिसके बाद वो एक फ्लेयर जलाकर उसके अंदर गिर देता है और वहां से कूद जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वो सारे वहां पर बच जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग अकीरा की तारीफें करने लगते हैं कि उसने कैसे सबको बचा लिया, पर वहां पर जो कोसुगी था वो दोबारा वहां पर आकर ये कहने लगता है कि इसलिए वो अकीरा को भेजना नहीं चाहता, और पर वहां पर सभी जो लोग थे वो कहने लगते हैं कि अब यहां पर कोई नहीं रुकना चाहता और वो सभी यहां से जाना चाहते हैं। जिसके बाद वो सभी ट्रक में बैठकर वहां पर जाने लगती हैं और जो कोसुगी था वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कोई नहीं रुकता, जिसके बाद कोसुगी वहां पर अकेला ही रह जाता है। दूसरी तरफ हम अकीरा को देखते हैं जो कि अब वैन में होता है सिजुगा के साथ, और साथ ही केंचो बाइक पर होता है, और वहां पर जो अकीरा सिजुगा थे वो बातें कर रहे होते हैं। जहां पर अकीरा कहता है कि जब भी कोसुगी उसके सामने आता है तो वो सोचना बंद कर देता है और डरने लगता है, पर अब उसे ऐसा कुछ याद नहीं, शायद वो उस जॉब के लिए बना ही नहीं था। जहां पर सिजुगा कहने लगती है कि जॉब तो हर साल ही नई नई निकलती है, जैसे कि स्पोर्ट्स, यूट्यूब, ड्रोन पायलट, और उसे वही करना चाहिए जो कि उसे पसंद है। और साथ ही वो कहती है कि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, इसलिए उसने अपना हर काम मजे से करना चाहिए। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।